हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्यून फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्यून सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। आज का विषय है ट्विन फ्लेम से जाने जर्नी कब इल्यूजन बन जाती है। प्रियो, मदर अर्थ यानी कि डिवाइन जब शिव शक्ति को इस अर्थ प्लेनेट पर भेजते हैं तो वो उसे एक सोल कॉन्ट्रैक्ट के तहत भेजते हैं। शिव शक्ति एनर्जी वास्तव में एक ही सोल है, लेकिन इन्हें दो हिस्सों में विभाजित करके ट्विन फ्लेम जर्नी के आधार पर इस जर्नी में भेजा जाता है। और इसका उद्देश्य ये होता है कि ये स्वयं जागृत होकर दूसरों को जागृत करें। इन्हें सोल कॉन्ट्रैक्ट के तहत सारी बातें पहले से बताई जाती है, सिखाई जाती है, कौन इनर वर्क करेगा और कौन कर्मा अकाउंट क्लियर करेगा। ट्विन हमेशा पेयर्स में भेजे जाते हैं और उनकी कॉस्मिक मैरिज पहले ही हो चुकी होती है, इसलिए वो सोल लेवल पर जुड़े हुए होते हैं और 5D में हमेशा एक होते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड एक ही होता है। पर जब वो इस धरती में आते हैं तो ये सारी बातें भूल जाते हैं। कारण 3D की माया, मैट्रिक्स और संसार की वो लेयर्स जो मनुष्य के अंदर एक डार्कनेस के रूप में आनी शुरू होती है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इसकी वजह से ब्लॉकेजेस बनते जाते हैं। और इसी वजह से ये जर्नी बहुत कठिन होने लगती है। इस जर्नी में सोल कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये बताया जाता है कि एक आत्मा दूसरे की सहयोगी बनेगी और उसे जागृत करेगी। डिवाइन का उद्देश्य ट्विन फ्लेम को इस धरती पर भेजना मोक्ष और एक उद्देश्य के लिए होता है, क्योंकि उनका कार्य ही है कि वो स्वयं जागृत होकर दूसरों को जागृत करें। पर ये ट्विन फ्लेम जर्नी तब फेल हो जाती है जब दोनों में से पहली आत्मा, जिसे पहली बार पता चला है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जिसे इनर वर्क की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो शक्ति के किरदार में है, जिसे तपस्या करनी है, साधना करनी है और पहले स्वयं जागृत होना है, वो ही इस जर्नी में जागृत नहीं हो पाती और यहाँ पर ये जर्नी अधूरी रह जाती है। एक ट्विन फ्लेम जर्नी में आना उस सोल की इच्छा के आधार पर ही होता है। डिवाइन आपको वही देंगे जो आप चाहते हैं और एक सोल की यही इच्छा होती है कि उसे मोक्ष चाहिए और इसी वजह से वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आता है। हालांकि इस जर्नी में उस एक सोल को दो हिस्से में विभाजित किया जाता है, जिसे शिव शक्ति कहा जाता है, डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन। लेकिन ये जर्नी एक लर्निंग की जर्नी होती है जिसमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है और जो आप सीखते हैं उसे दूसरों को सिखाना पड़ता है, बांटना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये जर्नी अधूरी क्यों रह जाती है, क्यों ये जर्नी एक इल्यूजन बन जाती है। इसके पीछे कुछ कारण हैं। पहला है 3D की मनोदशा से बाहर ना आ पाना। जब आप इस जर्नी में आते हैं तो आपको नहीं मालूम होता कि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और ये जर्नी बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है आपको, बहुत ज़्यादा हर्ट किया जाता है आपके ही ट्विन के द्वारा, चाहे वो ट्विन हो चाहे वो कार्मिक्स हो। लेकिन इसका उद्देश्य यही है कि आपको जागृत किया जाए। लेकिन आपकी जो मनोदशा है
वो 3D की ही बनी रह जाती है। आप अपने ट्विन से शादी करना चाहते हैं, उसका साथ चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपको कमिटमेंट दे, वो आपके साथ ज़िंदगी गुजारे। और ट्विन फ्लेम जर्नी का आधार ही यही है कि इसमें एक रनर चेजर का गेम चलता है। जैसे ही आपके मन में डिज़ायर आएगी, आपका ट्विन भागने लगता है, और जब वो भागने लगता है तो आप हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और आप में ब्लॉकेजेस आने शुरू होते हैं, क्योंकि आपकी डिमांड की वजह से ही आपके ट्विन भागते हैं, और इस वजह से आप अपने भीतर बहुत से ऐसे ब्लॉकेजेस बना लेते हैं जिससे आप बाहर नहीं आ पाते। लेकिन यदि आप 3D की मनोदशा से ऊपर उठ जाए तो आप अपने आप को हील भी कर सकते हैं और बैलेंस भी, क्योंकि जब तक 3D की मनोदशा रहेगी तब तक आप इस जर्नी में स्टक रहेंगे, क्योंकि ये जर्नी 3D से ऊपर की है, क्योंकि आपकी कॉस्मिक मैरिज पहले ही ऊपर हो चुकी होती है, लेकिन आपकी डिमांड 3D में ये होती है कि हम फिर से शादी करें, और यहीं से आपके ट्विन का भागना शुरू होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है जिसकी वजह से आप इस जर्नी में स्टक हो जाते। दूसरा है डिवाइन की व्यवस्था के अनुसार न चलना। इस जर्नी में जो डिवाइन की व्यवस्था है वो अनकंडीशनिंग लव है, वननेस है। यहाँ पर किसी भी सोल में भेद नहीं किया जाता, अंतर नहीं किया जाता। डिवाइन ये बात हमें सिखाते हैं कि जब तक आप प्रेम को नहीं समझेंगे तब तक प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जब भी हम डिवाइन की व्यवस्था के विपरीत जाते हैं, उनकी व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, अनकंडीशनिंग लव में नहीं रहते, वननेस के भाव में नहीं आ पाते, तो ये जर्नी कठिन हो जाती है, और यहाँ पर आप अपनी जर्नी में स्टक हो जाते हैं। तीसरा है स्वीकार भाव न होना। जब आप इस जर्नी में आते हैं तो आपको पता चलता है कि ये एक डिवाइनर प्लान के तहत इस जर्नी में सब कुछ होता है। यदि आपके ट्विन आपको ट्रिगर करते हैं, हर्ट करते हैं, तो वो भी इसलिए क्योंकि आपकी अवेकनिंग कराई जाए, और सब कुछ डिवाइन का ही प्लान है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन बातों को स्वीकार नहीं कर पाते। जब उनका ट्विन उन्हें छोड़कर चला जाता है या चली जाती है तो वो उन्हें कभी माफ़ नहीं कर पाते, और इसी वजह से वो अपने मनोभाव से, उन कड़वी यादों से कभी मुक्त नहीं हो पाते। क्योंकि डिवाइन की व्यवस्था कहती है कि जब तक तुम दूसरों के अपराध को क्षमा नहीं करोगे तब तक तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं होंगे, और इसी वजह से आपके भीतर डिवाइन की प्रेजेंस नहीं आ पाती, पीस हार्मनी नहीं आ पाती, और मन हमेशा अशांत रहता है, और यही एक बहुत बड़ा कारण बनता है ब्लॉकेजेस का, जिसकी वजह से आपकी ये जर्नी स्टक हो जाती है। इसलिए हर बात में स्वीकार भाव को लाना है। चाहे आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा हो, यदि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो वो सब कुछ डिवाइनर प्लान के तहत ही हो रहा है, आपकी अवेकनिंग के लिए ही हो रहा है, और इस बात को यदि आप स्वीकार करते हैं तभी इस जर्नी में आगे चल सकते हैं, वरना ये जर्नी आपके लिए बहुत कठिन हो जाती है। चौथा है लॉजिकल माइंड का चलना। इस जर्नी का आधार ही है विश्वास। जब आप विश्वास के आधार पर चलते हैं तो आपकी जर्नी आसान हो जाती है, क्योंकि उस वक्त डिवाइन आपको गाइड करते हैं और आपकी जर्नी को पार भी करवाते हैं। लेकिन जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं, 24 घंटे अपने ट्विन के विषय में सोचते हैं, उस वक्त जब आप अपनी जिद को मनवाने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि आपके मन के मुताबिक ही सब कुछ हो,
आप डिवाइन की व्यवस्था के विपरीत चले जाते हैं, उनका विरोध करते हैं या उनसे विवाद करते हैं, तो उस वक्त आप अपनी जर्नी में स्टक हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त आप अध्यात्म में फंस जाते हैं। उस वक्त आपका लॉजिकल माइंड चलना शुरू होता है, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग शुरू करते हैं और इसी की वजह से आप एक भटकाव की स्थिति में होते हैं। उस वक्त आपको कुछ भी समझ नहीं आता कि आप क्या करें, क्या निर्णय लें, क्या सही है क्या गलत, आपको कुछ समझ नहीं आता और ये सब कुछ आपके लॉजिकल माइंड की वजह से होते हैं। याद रखिए, कोई भी बात, कोई भी ड्रीम्स, कोई भी विज़न यदि डिवाइन के द्वारा दिखाया गया है तो वो भविष्य में ज़रूर पूरा होगा, लेकिन यदि कोई भी बात, कोई भी ऐसी बातें जो आपने खुद अपने मन से बनाई हैं, अपनी कल्पनाओं से उसका निर्माण किया है, वो आगे चलकर पूरी नहीं होंगी, क्योंकि वो आपके लॉजिकल माइंड की देन है। इसीलिए जो अध्यात्म में फंस जाते हैं, जो भ्रमित हो जाते हैं, उनके लिए ये जर्नी कठिन हो जाती है और वो अपनी जर्नी में स्टक हो जाते हैं। पांचवा है, खुद को हील व बैलेंस न कर पाना। इस जर्नी का आधार यही है कि अपनी कमजोरियों और अपनी कमियों पर काम करना है, उसे दूर करना है। और हमारा ट्विन भी इसी उद्देश्य से आता है। जब भी वो ट्रिगर करता है, हर्ट करता है, तो उसके पीछे यही कारण होता है कि वो हमारी कमजोरियों को, हमारी कमियों को बाहर निकालता है ताकि हम उसे देखें, उसे स्वीकार करें, उस पर काम करें और खुद को हील करें, बैलेंस करें। लेकिन मनुष्य का एक मन ये होता है कि वो हमेशा स्वयं को सही ठहराता है और सामने वाले को गलत, और इसी वजह से ये ब्लॉकेजेस बनते हैं। क्योंकि जब तक हम स्वयं की कमजोरियों को, स्वयं की कमियों को स्वीकार नहीं करेंगे, उस पर काम नहीं करेंगे, तब तक हम हील व बैलेंस नहीं हो पाएंगे, और यही इस जर्नी में स्टक होने का सबसे बड़ा कारण है। छठवां है, कुंडलिनी का राइस न हो पाना। ट्विन फ्लेम जर्नी जिसमें कुंडलिनी का बहुत बड़ा किरदार होता है, और कुंडलिनी जो कि एक रहस्यमय शक्ति है, और इसके विषय में यही कहा जाता है कि यदि आप अपनी कुंडलिनी राइज करना चाहते हैं तो एक अच्छे गुरु या विशेषज्ञ की राय में ही इसे करें, क्योंकि ये जोखिमपूर्ण भी हो सकता है। क्योंकि जब तक आपकी कुंडलिनी राइज नहीं होगी, आप चेतना के स्तर पर आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक आप हाई वाइब्रेशन में नहीं जाएंगे, जब तक आपकी डिवाइन से सोल मर्जिंग नहीं होगी, तब तक आपका इनर डीएम डीएम बैलेंस नहीं होगा, तब तक आप अपने उद्देश्य से नहीं जुड़ेंगे। इसीलिए इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ने के लिए और इसे पूरा करने के लिए कुंडलिनी का राइस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग इसे करते तो हैं लेकिन कुछ समय के बाद इसे छोड़ देते हैं, कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं करते या किसी भी कारण से इसे कर नहीं पाते, लेकिन यही एक सबसे बड़ा कारण बनता है इस जर्नी में स्टक होने का। सातवां है, जर्नी को समझ न पाना। जितने भी लोग इस जर्नी में आते हैं, कुछ ही मात्र लोग होते हैं जो इस जर्नी को समझ पाते हैं, क्योंकि यह जर्नी एक दिव्य जर्नी है, एक आध्यात्मिक जर्नी है, आत्मा से परमात्मा तक। आपके ट्विन के आने से आपकी जागृति होती है, आप अपने उद्देश्य से जुड़ते हैं, स्वयं को पहचानते हैं, और वही आपके लिए मोक्ष होता है जब आप ये जानते हैं कि आखिर मैं इस धरती पर आया क्यों हूँ। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि ये एक रोमांस की जर्नी है, किसी भी तरह हमारे ट्विन से हमारा रीयूनियन हो जाए, हमारी शादी हो जाए, वास्तव में ये एक सांसारिक भाव है जिसकी वजह से आप हमेशा अपनी जर्नी में स्टक रहते हैं, क्योंकि ये जर्नी एक लर्निंग की जर्नी है। आपको यहाँ पर सीखना है, जो कुछ आप सीखेंगे वही दूसरों को सिखाएंगे, वही दूसरों को बांटेंगे। आपका अनुभव ही कल दूसरों को प्रेरणा देगा, कल दूसरों का मार्गदर्शन करेगा। सिर्फ रीयूनियन को उद्देश्य मानकर मत चलिए, क्योंकि ये जर्नी आत्मा से परमात्मा तक पहुँचने की जर्नी है, और इसमें एक डिवाइन लव होता है,
जिसमें प्योरिटी होती है, हॉलीनेस होता है, और जब तक आप इस व्यवस्था का पालन नहीं करेंगे तब तक आप इस जर्नी को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अधिकांश लोग इस जर्नी में स्टक हैं, क्योंकि वो लोग इस जर्नी को रोमांस की जर्नी समझते हैं, पर वास्तव में ये एक आध्यात्मिक जर्नी है जिसमें आपकी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचना है। तो ये वो कारण हैं जो एक सोल को जर्नी में स्टक करते हैं, आगे बढ़ने से रोकते हैं। डिवाइन यदि किसी को शिव शक्ति के रूप में एक मिशन के तहत इस धरती पर भेजे हैं, तो उनका उद्देश्य यही है कि आप अपनी इस जर्नी को पूरा करें। लेकिन वो पहली आत्मा जिसे इनर वर्क का जिम्मा सौंपा गया है, यदि वो स्वयं ही जागृत न हो पाए, अपनी साधना या तपस्या न कर पाए, खुद पर काम न कर पाए, तो उसकी जर्नी स्टक हो जाती है। और जब वो स्वयं जागृत नहीं हो पाता तो उसकी सहयोगी आत्मा भी जागृत नहीं हो पाती, और यहीं पर वो जर्नी अधूरी रह जाती है, मिशन फेल हो जाता है, और ये जर्नी एक इल्यूजन बनकर रह जाती है। तो इसके लिए जरूरी है कि वो पहली आत्मा जिसे पता चला है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और उसे इनर वर्क करना है, उसे खुद पर काम करने की आवश्यकता है, ताकि वो स्वयं जागृत होकर अपनी सहयोगी आत्मा को जागृत करे, मदर अर्थ को सर्व करे, अपने उद्देश्य को पूरा करे। तो प्रियो, आज इसी विषय पर हमने बात की। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।